वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं 13 जनवरी 2024 को गांधी मैदान पटना में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सम्मिलित होने वाले विद्यालय अध्यापक एवं अधिकारी के लिए कुछ सामान्य निर्देश के बारे में। कुछ सामान्य निर्देश हैं टीचर्स के लिए, साथ ही साथ कुछ पदाधिकारियों के लिए। क्या रहा है? पहला नंबर कि विद्यालय अध्यापक औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं आधार कार्ड के साथ उपस्थित होंगे। तो टीचर्स के लिए जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला हुआ है और आधार कार्ड जो मिला हुआ है, इनके साथ ये अवेलेबल होंगे उस गांधी मैदान में। दूसरा है कि विद्यालय अध्यापक को मुख्य द्वार पर प्रवेश औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं आधार कार्ड के आधार पर ही मिलेगा। यानी जो कह रहा है कि प्रवेश द्वार पर जो मुख्य द्वार है, प्रवेश तभी मिलेगा जब आपके पास औपबंधिक नियुक्ति पत्र और आधार कार्ड होगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। गांधी मैदान में जिलावार इनक्लोजर बनाया जा रहा है। इनक्लोजर मतलब अहाता कह सकते हैं या घेरा कह सकते हैं, ठीक है। घेरा बनाया गया है जिलावार। संबंधित विद्यालय अध्यापक चिन्हित स्थान पर ही बैठेंगे और उससे संबंधित, उस जिले से संबंधित टीचर्स ही वहाँ बैठेंगे। महिला विद्यालय अध्यापकगण अपने अपने इनक्लोजर्स में मुख्य मंच की दिशा में आगे बैठेंगी। तो महिला अध्यापक की बात कर रहा है कि इनक्लोजर्स में बैठेंगी और मुख्य मंच की दिशा में आगे बैठी रहेंगी महिला जो टीचर्स हैं उनकी बात कर रहा है। विद्यालय अध्यापकगण समारोह की गरिमानुरूप प्रॉपर ड्रेसअप में रहेंगे। तो गरिमा की बात है, बात टीचर्स की गरिमा की है, तो उसी ड्रेस में आप रहेंगे। विद्यालय अध्यापक अपने साथ कोई भी सामग्री जैसे बैग, खाना का सामान, पानी का बोतल आदि मैदान में लेकर नहीं आएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, साथ में बैग या खाना या पानी का बोतल गांधी मैदान में साथ लेकर नहीं जाना है, ध्यान रख लीजिए। गांधी मैदान में पीने के पानी, शौचालय, यूरिनल की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाएगा या किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस सब की व्यवस्था वहाँ रहेगा, तो अलग से आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। शौचालय की भी सुविधा है, पेशाब करने की भी सुविधा अवेलेबल रहेगी। आपकी सुविधा के लिए गांधी मैदान के विभिन्न प्रवेश द्वारों के निकट हेल्प डेस्क, हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है, जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान मोबाइल को बंद रखें या साइलेंट मोड में रखा जा सकता है, यह भी ध्यान रखिएगा, मतलब घंटी बजनी नहीं चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मोबाइल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फोटो अथवा वीडियो नहीं बनाया जाए, क्योंकि आजकल बड़ा ज़माना चल रहा है ना ब्लॉगिंग का, तो ये कार्य नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम के उपरांत कार्यक्रम का फोटो वीडियो जिला को अलग से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो कह रहा है कि अगर फोटो आपको चाहिए तो प्रत्येक जिलों में जो फोटोस होंगे, वीडियो होंगे, वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आप ले लीजिएगा। कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखें, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। आपस में बातचीत या इधर उधर चहलकदमी न किया जाए, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत ही अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान किया जाए, यह भी इन्होंने निर्देशित किया है। और 12 पॉइंट में कह रहा है कि 40 से 50 अभ्यर्थी जो एक बस से आएंगे, उनके लिए नामित नोडल पदाधिकारी आई कार्ड के साथ रहेंगे। जो नोडल पदाधिकारी होंगे उस बस में आई कार्ड के साथ रहेंगे, उनकी जिम्मेवारी होगी कि प्रवेश द्वार पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उनका प्रवेश करने में सहयोग करेंगे। यानी जो एक बस में जो नोडल अधिकारी होगा, वो गेटमैन यानी वहाँ पर जो भी अधिकारी होंगे गेट के पास, उनसे समन्वय स्थापित करके एंट्री करवाएंगे और नोडल पदाधिकारी के पास संबंधित अभ्यर्थी की सूची भी रहेगी। और जो नोडल अधिकारी होगा ना, पूरे बस में बैठने वाले सभी टीचर्स की जो है अभ्यर्थियों की जानकारी रहेगी उनके पास, कि कौन कौन आया है, कौन ब्लॉक का है, किस ब्लॉक का है, किस जिले का है, ये सारे डिटेल्स उनके पास रहेंगे, ठीक है। ये कुछ निर्देश थे जो गांधी मैदान में मिलने वाला नियुक्ति पत्र है उसके बाय में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।